उम्र के लिहाज से प्रदेश के सबसे वरिष्ठ यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा है कि अभी यह तय नहीं है कि कोटा उत्तर से अगला चुनाव कौन लड़ेगा। फोर्स इंडिया को दिए एक्सक्लूसिव बयान में उनका इशारा अपने बेटे और पीसीसी महासचिव अमित धारीवाल के कोटा उत्तर से चुनावी मैदान में उतरने की संभावना की तरफ संकेत कर रहा है। मौका था जैन जन उपयोगी भवन वल्लभ बाड़ी पॉलिटेक्निक कॉलेज सर्किल सरोवर पार्किंग के सामने के छतरी निर्माण कार्य है, किशोरपुरा ईदगाह के रेनोवेशन कार्य है और बूंदी रोड पर खांडा साहिब की स्थापना की कार्य है और एरोड्रम सर्किल स्थित टावर ऑफ लिबर्टी के लोकार्पण का। इस दौरान धारीवाल से खास बातचीत की हमारे सहयोगी भंवर एस चारण ने। शांति धारीवाल आज कोटा में है, कई विकास कार्यों का तोहफा कोटा की जनता की झोली में डाला है और धारीवाल साहब एरोड्रम सर्किल जो कि कोटा का मुख्य सर्किल है वहाँ पे इस टावर की जनता को बहुत दिनों से लोकार्पण की प्रतीक्षा थी। जो यहाँ पर मोनूमेंट बनाया गया है वो एक तरह से ये मान के चलिए कि इस तरीके का मोनूमेंट आपको पूरे देश में देखने को नहीं मिलेगा। जितनी बारीकी का काम जैसलमेर के पत्थर पर जो तीन टावर बने टावर ऑफ लिबर्टी, ये एक तरह से पर्यटकों को लुभाने के लिए ये एक चीज़ बनाई गई है। मैं ये मान करके चलता हूँ कि निश्चित तौर पर जो है पर्यटक जो है कोटा की विजिट करेंगे, क्योंकि कोटा में अब इतनी चीज़ें हो गई हैं कि जिनको देखे बगैर कोई भी आदमी जो पर्यटक की दृष्टि से एक घूमता है देश में घूमता है वो कोटा नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता। सर विकसित कोटा का यही मॉडल है जिसको सामने रखकर शांति धारीवाल चुनाव मैदान में उतरेंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कौन उतरेगा चुनाव मैदान में, तो कांग्रेस तय करेगी, लेकिन मैं से तो जो है चूँकि मैं यूडीएच मंत्री हूँ, नगरीय विकास मंत्री हूँ, तो इसलिए मैं तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जो कहते हैं कि जो जिम्मेदारी निभाई है वो बतौर यूडीएच मंत्री निभाई है, चुनाव मैदान में कौन उतरेगा ये अभी भी स्पष्ट नहीं है, यानी चुनाव कांग्रेस के टिकट से शांति धारीवाल लड़ेंगे या अमित धारीवाल, ये कोटा का जो एक बड़ा सियासी सवाल है इस पर धारीवाल कुछ भी कहने से साफ तौर पर बचते नजर आए हैं। लेकिन लिबर्टी टावर जो कि कोटा के एरोड्रम सर्किल पर बनकर तैयार हुआ है और इससे पहले जो पॉलिटेक्निक कॉलेज का जो सर्किल है उसका भी आज शांति धारीवाल ने लोकार्पण किया है, साथ में जो छतरी बन रही है किशोर सागर तालाब के पास उसका भी लोकार्पण हुआ है और साथ में बूंदी में जो खंडा साहिब है उनका भी धारीवाल ने लोकार्पण किया है। तो बहुत सारे विकास के काम लगातार कोटा की जनता की झोली में धारीवाल डालते रहे हैं, लेकिन इस सियासी सवाल पर आज उन्होंने एक बड़ा रहस्य पैदा कर दिया है कि कोटा उत्तर से इस बार चुनाव शांति धारीवाल लड़ेंगे या फिर उनके पुत्र अमित धारीवाल। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।